मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग समारोह में शरीक होने के लिए देश विदेश से मशहूर हस्तियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए जामनगर के डोमेस्टिक एयरपोर्ट को 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। आपको बता दें कि ऐसा असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है। प्री वेडिंग में सुपर वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ऐसा किया गया है। यहाँ प्रोटोकॉल के तहत कस्टम, इमिग्रेशन और अन्य तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के लिए स्टाफ तैनात है। इसके लिए कई मंत्रालयों से ग्रीन सिग्नल लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि यहाँ पर हर दिन 12 से 18 फ्लाइट का मूवमेंट रहता है, जो कि अब रोजाना 40 से 150 फ्लाइट तक पहुँच जाएगा। जामनगर एयरपोर्ट पर केवल 6 एयरक्राफ्ट पार्क करने की जगह है। ऐसे में आने वाली चार्टर्ड फ्लाइट के लिए यहां पार्किंग ना होते हुए देख बड़ौदा, राजकोट, पोरबंदर और अहमदाबाद समेत दूसरे एयरपोर्ट्स पर पार्किंग की जगह रिजर्व रखी गई है। यहां आने वाली वीआईपी फ्लाइट्स मेहमानों को उतारने के बाद टेक ऑफ कर जाएंगी। जामनगर में कोई फ्लाइट पार्क नहीं होगी। सभी प्लेन आसपास के दूसरे एयरपोर्ट पर जाएंगे। सिर्फ शेड्यूल पैसेंजर फ्लाइट के अलावा एक एयर एम्बुलेंस के लिए यहां स्पेस दिया गया है। यह किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में तैयार रहेगी। बॉलीवुड स्टार सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर कपूर समेत कई स्टार यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। मार्क जुकरबर्ग का निजी प्लेन भी यहां लैंड कर चुका है। अमेरिका की मशहूर सिंगर रिहाना 2 हवाई जहाजों में अपनी टीम और सामान के साथ यहां पहुंची। इसके साथ ही जामनगर में बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड के सितारों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। 1 मार्च को अमिताभ बच्चन समेत दूसरे स्टार भी यहां पर पहुंचेंगे। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।